पत्रकार, गोदी मीडिया का पत्रकार, आज का तारीख में बसपा का खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव किया जा रहा है यार, कर रहे हैं। ये जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति है, यानी बसपा को कमजोर दिखाने के लिए, बसपा का वोटर को, मनोबल को कमजोर करने के लिए ऐसे नेगेटिव नैरेटिव हर कोई टीवी चैनल में बसपा के खिलाफ बताया जा रहा है। जब टीवी चैनल खुल के आप देखेंगे तो वहां चार या पांच लोगों को बुलाया जाता है, ये लोग बताते हैं, जो मीडिया वाले एंकर जो बताता है सेम वो बात रखते हैं। वहां प्रश्न पूछा जाता है, कहीं बहन जी दिखाई नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश का 2022 इलेक्शन में, कहीं बहन जी दिखाई नहीं दे रहा है। बसपा यूपी का खेल बिगाड़ने के लिए काम कर रहा है। ये जो नेगेटिव नैरेटिव है ये बसपा का वोटर को कमजोर करने के लिए, कभी तो मीडिया वाले ये नहीं पूछते सोनिया गांधी दिखाई नहीं दे रहा, कभी तो मीडिया वाले ये नहीं पूछते अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहा, कभी तो मीडिया वाले ये भी नहीं पूछते दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया को दिखाई नहीं दे रहा। जानबूझकर बसपा को कमजोर करने के लिए, बसपा का वोटर का मनबल को तोड़ने के लिए ऐसे नेगेटिव नैरेटिव किया जा रहा है, ये बात को बहुजन समाज का लोग समझ जाना चाहिए। बहन जी हर कोई पार्टी से कंपेयर जब किया जाएगा तो एक साल पहले ही बहन जी तैयार कर रही थी, आज भी वो कर रही है 2022 इलेक्शन के लिए। जिस दिन से बहन जी राज्यसभा से रिजाइन दे देती है उसी दिन के बाद बहन जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, नहीं तो 150 बिग बिग बड़ा बड़ा सम्मेलन कंप्लीट हुआ जिसको आप लोग कहते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन। बहन जी का दिशा निर्देश, बहन जी का देखरेख में सतीश चंद्र मिश्रा जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन 75 डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम कर बहुत बड़ा बड़ा सम्मेलन किया। क्या बहन जी नहीं दिखाई दे रही है? ये सम्मेलन कौन किया? ये सम्मेलन बहन जी का दिशा निर्देश से हुआ। बहन जी बसपा का सुप्रीमो है, वो का कैसा निर्णय लेगी उनका ऊपर है। गोदी मीडिया ये बात कभी दिखाया नहीं, दिखाया आप लोगों को ये नहीं दिखाएगा। नेगेटिव नैरेटिव करके बसपा को कमजोर करना ये गोदी मीडिया का काम है, इसमें भटकना बिल्कुल सही नहीं है। 6 महीने पहले से ही उत्तर प्रदेश पे 400 सीट का टिकट फाइनलाइज हो गया था, यानी इससे पता चलता है कि बहन मायावती जी हर कोई सीट के बारे में वो जानकारी रखती है और फील्ड में है, नहीं तो इलेक्शन से 6 महीने पहले टिकट फाइनलाइज हो जाना मामूली बात नहीं है। आज का तारीख में हमारे दर्शकों का जानकारी के लिए भी बता दूं, बहन जी हर दिन एक एक सीट का ऊपर वो चर्चा कर रही है, जानकारी ले रही है। 200 से ज्यादा सीट जो 500 वोट से बसपा हरा है 2017 में, वो सीट को हर दिन वो बारीकी से देख रही है और उनके सुपरवाइज भी कर रही है। उसका साथ साथ 86 रिजर्व सीट पर बहन जी हर वक्त नजर रख रही है, फिर भी गोदी मीडिया कह रहा है बहन जी दिखाई नहीं दे रहा और वो सपा और बीजेपी का खेल बिगाड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 0 है फिर भी उनके बारे में बिल्कुल नेगेटिव नैरेटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 0 है, उनका लीडर को दौड़ा दौड़ा कर लोग गाली दे रहे, भगा रहे। जब एमएलए बीजेपी का एमएलए वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। और ये भी देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश में गांव का सामने एक बोर्ड लिखा जाता है
इस गांव में बीजेपी एमएलए को आना मना है। तो कभी भी गोदी मीडिया इसको नेगेटिव नैरेटिव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मीडिया पैसा से चलता है भाई। शासन और प्रशासन उन्हें चंदा देता है, लाखों करोड़ों रुपया सत्तारूढ़ दल उन्हें पैसा देता है। इसीलिए गोदी मीडिया बसपा को कमजोर करने के लिए बात कहता है। अब सबको पता है उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, उत्तर प्रदेश में जाट सम्मेलन किया गया। ऐसे मेरे ख्याल से मेरा जानकारी में ये है 500 से ज्यादा सम्मेलन बसपा ने उत्तर प्रदेश में कर चुका है। और फिर भी गोदी मीडिया कहता है बहन जी कहीं दिखाई नहीं देती। और एक बात आप लोग को मैं बता देता हूं, 7 अक्टूबर 2021 में 7 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रेस मीडिया को संबोधित कर रही थी बहन जी। तभी तो गोदी मीडिया ये नहीं बताता मोदी जी क्यों नहीं आते प्रेस वार्ता देने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री आज तक प्रेस मीट कर नहीं पाते। गोदी मीडिया कभी प्रश्न नहीं पूछता भारत का प्रधानमंत्री क्यों प्रेस मीट नहीं आते। भारत के प्रधानमंत्री इतने साल तक कुर्सी पर बैठे हैं, एक भी दिन आपने देखा है उनका प्रेस मीडिया प्रेस मीट? उनका प्रेस मीट अक्षय कुमार लेते हैं, फिल्म कलाकार। क्यों भारत का प्रधानमंत्री के बारे में गोदी मीडिया नहीं पूछता? जो पार्टी का मुखिया कब और क्या निर्णय लेगा, जो पार्टी का मुखिया का देख रेख में 500 से ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा सम्मेलन होता है यूपी में, 150 से ज्यादा प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, जाट सम्मेलन होता है, गुज्जर सम्मेलन होता है, सोशल इंजीनियरिंग का बलबुते पर, इंजीनियरिंग का बलबुते पर यूपी का हर गांव हर जिले हर कस्बे पे बसपा का कार्यक्रम चलता है, फिर भी गोदी मीडिया नेगेटिव नैरेटिव करता है बहन जी कहां है। शायद ये जो चश्मा पहने हुए है वो चश्मा को उतर देना चाहिए इन लोगों को। ये जो अंधभक्त का चश्मा पहन हुए है इनको उतर देना चाहिए। बहुजन प्रेमी और बहुजन साथी आप लोग ये बात जान दीजिए, जान ध्यान में सुनिए और जानिए कि बहुजन समाज को कमजोर करना है ये गोदी मीडिया का काम है। बसपा का वोट को कमजोर करने के लिए गोदी मीडिया ना जाने कितना पैसा लेकर ये बात कर रहे हैं, ये मैं तो बता नहीं पाऊंगा। एविडेंस आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। साथियों, कोई भी नेशनल पार्टी का खिलाफ इसे नेगेटिव नैरेटिव करने से पहले कम से कम एविडेंस देना चाहिए। भारत को आज का तारीख में बहन जी का जरूरी है। एक नेशनल लीडर के नाते वो बार बार प्रेस मीट देती है, प्रेस मीट में जो भी प्रश्न आता है हर कोई प्रश्न का जवाब वो दे रखती है। क्या भारत का प्रधानमंत्री प्रेस मीट दिए है? ये गोदी मीडिया कहां छुप गया है? क्यों गोदी मीडिया उनका इंटरव्यू के लिए डिमांड नहीं कर रहा है? क्यों गोदी मीडिया एक भी दिन नहीं लिखता है कि भारत का प्रधानमंत्री कब प्रेस मीट देंगे? ये डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी में मीडिया को इंडिपेंडेंट है आर्टिकल 19 के तहत, फिर भी भारत का मीडिया बिका हुआ है। इसीलिए ये भारत का मीडिया जितने भी मीडिया है बहुजन समाज का खिलाफ है। आज से बहुजन समाज का लोग गोदी मीडिया को नकारना चाहिए। और एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं, बसपा उनका स्टार्टिंग करता है पॉलिटिक्स 25% से ज्यादा वोट से, और उनका साथ जुड़ जाता है मुस्लिम वोट, ओबीसी वोट, सवर्ण वोट, यानी 85% वोट से उनका कैंप शुरू होता है। सिर्फ हमारा कमजोरी क्या है, मीडिया हमारा साथ नहीं देता, बहुजन समाज को मीडिया साथ नहीं देता, क्योंकि मीडिया बहुजन समाज का नहीं है, मीडिया
शवर्ण का है, एक गोदी मीडिया बन चुका है। आप सब लोग गोदी मीडिया से बचिए। उत्तर प्रदेश में बसपा बिल्कुल मजबूती, बिल्कुल ताकत का साथ लड़ रही है। उनका सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिक नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 200 से ज्यादा सीट पर बसपा सिर्फ 500 वोट में हारी थी 2017 में। यानी आप याद रखिए, 2017 में मोदी लहर था, मोदी लहर को चीरते हुए भी बसपा 2 नंबर पर था और हारी थी कितने वोट में, सिर्फ 500 वोट में, 200 से ज्यादा सीट पर और 86 रिजर्व सीट में। कोई माइका लाल नहीं है आप बसपा को हराने के लिए, क्योंकि आज का तारीख में बहुजन समाज जान चुका है, बहुजन समाज भली भांति जान चुका है बीजेपी को, और धर्म का राजनीति अब वहां नहीं चलने वाला है। बहुजन समाज ये भी जानता है सिर्फ 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 बसपा ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान को मानता है, बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को पालन करता है। चाहे समाजवादी पार्टी वाले जितने भी जय भीम का नारा लगा दे, आप लोगों तो बहन जी का बनाया हुआ स्मारक तोड़ने वाले हैं, आप लोगों तो बाबा साहेब अंबेडकर, दादा साहेब कांशीराम, महामाया नाम पे चलने वाले, हर कोई दलित महापुरुषों के नाम पे चलने वाले प्रोग्राम को बंद कर देने वाले हैं। अब जय भीम बोलने से कौन सुनेगा? बीजेपी वालों छोड़ के वो डायरेक्टली दलित का खिलाफ बोलते हैं, माइनॉरिटी का खिलाफ कहते हैं, लेकिन समाजवादी वाले आपको दुगलापन भी यूपी वाले जान चुके हैं। साथियों, गोदी मीडिया जितना भी नेगेटिव नैरेटिव करे ना क्यों, उसमें आप लोगों को भटकना नहीं चाहिए, आप डट कर रहना चाहिए। बाबा साहेब को याद कीजिए, दादा साहेब कांशीराम को याद कीजिए, ललन सिंह यादव को याद कीजिए, ईवी रामस्वामी पेरियर को याद कीजिए, वो संघर्ष को मत भूलिए जो संघर्ष का फलस्वरूप आज हमें अधिकार मिला है, वो अधिकार को सुरक्षा रखना है। बाबा साहेब का संघर्ष से दिया हुआ अधिकार को सुरक्षित रखना है, ज्योतिबाव फूले साहब का सपना को हकीकत में बदलना है, माता सावित्रीबाई फूले का सपना को हकीकत में बदलना है, माता रमाबाई का संघर्ष को भूल नहीं जाएंगे हम लोग, 1880 का भीमापुरे गांव वार को भूल नहीं जाएंगे हम लोग, 2 जनवरी को जो एट्रोसिटी एक्ट का टाइम में जो हमारा लोगों को मारा गया था वो बात भी हम भूल नहीं जाते हैं। इसीलिए इलेक्शन पीरियड में ये सबको याद करके हम लोग को यूनाइटेड होके कानूनी प्रक्रिया से, डेमोक्रेसी प्रोसेस से हमारा वोट का ताकत को सही से इस्तेमाल करना ही बहुजन का ताकत है। गोदी मीडिया जितना नेगेटिव नैरेटिव कर देना क्यों, उसका बात में विश्वास करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर साल ये लोग टीवी का पावर पर, मीडिया का पावर और मूली का पावर पर हमारा लोगों को बरगला रही है। इसलिए बहुजन समाज इन लोगों का बातों में आना नहीं चाहिए। मेरा ये वाद दावा है आप लोगों का सामने, मैं इतना जानता हूं उत्तर प्रदेश बसपा मजबूती का साथ डट कर लड़ रही है बहन जी का दिशा निर्देश पर। साथियों, अब सब लोग को मालूम है धर्मवीर सिंह अशोक, अशोक सिद्धार्थ, भीमराव अंबेडकर, भीम राजभर उत्तर प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट, ना जाने कितने सम्मेलन किए, अनगिनत सम्मेलन किए, इसके बारे में गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा और वो दिखाने वाला भी नहीं है। इसीलिए आप लोग जो टीवी मीडिया पर 3-4 लोगों को बुलाकर पैनलिस्ट लाके जो नैरेटिव करते हैं, ये मनगढ़ंत है, ये झूठ बात लोगों को बताते हैं। बसपा ही यूपी में टक्कर दे रहा है ताकतवर दुश्मन को, बसपा ही उनका विरोधियों को धूल चटाने के लिए दमखम भरता है। चाहे जितना भी ये लोग जोर लगा ले, इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा एब्सोल्यूट
मेजोरिटी का साथ सरकार बनाने के लिए तैयार कर चुका है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।